और आज की एक और बड़ी खबर, घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में इजाफा हुआ है, 25 रुपए 50 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। लूट का पर्याय बन चुकी है मोदी सरकार। गैस सिलेंडर के दामों में बढ़ोतरी का सिलसिला जारी है। सरकार जनता की रसोई को भी नहीं बख्श रही। जहां एक तरफ पहले से ही जनता महामारी और बजट से जूझ रही है, वहीं मोदी सरकार इस आपदा में भी जनता को लूटने का कोई अवसर नहीं छोड़ रही। हर प्रकार से महंगाई बढ़ाकर मोदी सरकार ने जनता का जीना दुर्भर कर दिया है। आज यानी 1 जून को एक बार फिर LPG गैस सिलेंडर के दामों में करीब 25 रुपए 50 पैसे की बढ़ोतरी की गई है। इसके साथ ही देश की राजधानी दिल्ली में 14.2 किलो वाले गैस सिलेंडर की कीमत 834 रुपए 50 पैसे हो गई है। इसके अलावा कोलकाता में 161 रुपए, मुंबई में 834.5 रुपए और चेन्नई में ये सिलेंडर 850 रुपए में मिल रहा है। आपको बता दें, पिछले 7 सालों में घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत 2 गुनी होकर 834 रुपए 50 पैसे प्रति सिलेंडर हो गई है, जबकि 1 मार्च 2014 को 14.2 किलो के घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत 410 रुपए 5 पैसे थी। इस साल जनवरी से अब तक 138 रुपए 50 पैसे तक महंगा हुआ है गैस सिलेंडर। 4 फरवरी 2021 घरेलू गैस सिलेंडर का दाम बढ़ाकर 719 रुपए प्रति सिलेंडर किया गया। दिनांक 15 फरवरी 2021 सिलेंडर का दाम बढ़ाकर 769 रुपए किया गया। दिनांक 25 फरवरी 2021 सिलेंडर का दाम बढ़ाकर 794 रुपए किया गया। 1 मार्च 2021 सिलेंडर का दाम 819 रुपए कर दिया गया। 1 जुलाई 2021 सिलेंडर का दाम फिर से बढ़ाकर 834.50 रुपए किया गया। जन विरोधी भाजपा सरकार ने महंगाई में बेतहाशा वृद्धि कर जनता की कमर तोड़ दी है। महंगाई पर नियंत्रण तो दूर, सरकार गरीबों के मुंह से निवाला छीनने पर आमादा है। केंद्र की सत्ता में बैठे ये स्वघोषित राष्ट्रवादी आम आदमी की रसोई में जलता चूल्हा भी बुझा देना चाहते हैं। मोदी जी भारत को विश्व गुरु तो नहीं बना पाए, लेकिन यहाँ की जनता को बेबस और लाचार जरूर बना दिया है।